हाँ जी, राम राम जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ मधु, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे हिमाचली ऑलराउंडर में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए। मुझे कमेंट भी आया था, और लक्ष्मी जी का वो कमेंट था कि इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। वैसे भी यहाँ पे ऐसे ही टॉपिक आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड बहुत कुछ, तो मैंने सोचा चलो आज इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं आपके साथ। और हस्बैंड वाइफ जो है पूरे समाज की एक नेम होती है, आप समझ रहे हैं ना। पूरा समाज हमारा जो चलता है वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से ही चलता है, मतलब हर घर में, आस पड़ोस जहाँ भी देख लो आप ये। और इस पे मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी बातें आप लोगों को बताऊंगी जो मैंने अपने आसपास देखा है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर मुझसे भी, मतलब खुद से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो कहते हैं ना कि इंसान खुद से भी बहुत कुछ सीखता है अगर सीखना चाहे, तो वैसा ही ये। सबसे पहले तो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो विश्वास पे टिका होना चाहिए, ठीक है। इसमें होता है ना एक शक की जो बीमारी होती है बहुत बड़ी, जो है एक दिन खाई खो देती है, और जिस पे फिर हम मतलब अंदर ही धंसते चले जाते हैं। एक ऐसी मतलब झील बन जाती है वो रिश्तों को कभी भी जो है नज़दीक नहीं आने देती। तो सबसे पहले तो विश्वास करना सीखिए, ठीक है। आपके मतलब मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, ये वीडियो ना तो ऐसा है कि वाइफ के लिए स्पेशल है, या ऐसा भी नहीं है कि हस्बैंड के लिए स्पेशल है, ये दोनों के लिए है। क्योंकि मतलब ज़िंदगी के दो पहिए होते हैं ना, पति और पत्नी, जो उस गाड़ी के, ज़िंदगी रूपी गाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं। अगर एक में भी थोड़ा सा भी अगर नुकसान हो जाए एक का, अगर कुछ भी, तो वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो इन दोनों का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी रूपी जो गाड़ी है वो चलानी है, तो इन दोनों का सही तरह से रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब दोनों का तालमेल, आपस में प्यार, आपस में विश्वास जो है, तो उसमें मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगी। अगर आप सहमत होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो आती है हमारे रिश्ते के ऊपर कि कैसे हमारा रिश्ता बेहतर बन सकता है। एक तो होती है टोन, हमारे बातचीत करने का तरीका। दोनों तरफ से बोल रही हूँ मैं, ना कि एक तरफ से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हाँ, हमारे बात करने का तरीका कैसा है, ठीक है। ये आजकल के टाइम में क्या होता है कि अब तो मतलब पहले ऐसा होता था कि 80-80 साल के या 70-70 साल के जो होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनसे शादी कर दी जाती थी 20-21 साल की लड़कियों के बिना देखे। कुछ टाइम ही ऐसा था, अब तो सब कुछ देख सुन के होता है, फिर भी नहीं निभ रही है। उस टाइम निभ जाती थी उन लोगों की, इतना डिस्टेंस होते हुए भी निभ जाती थी, क्योंकि अब दुनिया बहुत जागरूक हो चुकी है ना। हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हुए हम लोग, तो वो लोग हमसे ज़्यादा समझदार थे, तो ऐसे अपनी ज़िंदगी काट देते थे। चाहे उम्र में कितना मर्जी फर्क हो, फिर भी वो एक दूसरे के साथ खुश रह लेते थे, क्योंकि उनके अंदर एक शर्म होती थी, परिवार का एक डर होता था कि लड़कियों के अंदर भी कि हमने वहाँ पे रहना है, अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया तो हमारे माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी, वो उनके अंदर बात होती। अब वैसी नहीं रही है, अब ना तो पति कम है ना पत्नी कम है। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं उन्हीं को बोल रही हूँ जो ज़्यादातर मैक्सिमम लड़ते रहते हैं, और जिनके नौबत तलाक तक आ जाती है, यानी कि हो तक जाता है कि हो गया है। और उसमें सबसे मायने जो रखती है वो पहले वो है टोन, हमारी बात करने का तरीका, हमारा लहजा कैसा है। अब जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो पति शाम को घर आता है ना, तो पत्नी ला चाय देती है उनको, अगर वो जॉब करते हैं चाय देती हैं या पानी, कुछ भी जो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्या होता है कि वो चाय देती है तो पति ना जैसे वो बैठा होता है चेयर के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट इमेजिन करती हूँ कि ऐसा होता है और मैंने देखा भी है, और मैं सोचती भी हूँ और देखा भी है मैंने, तो पति बोलता है कि ये क्या है इसमें, ये क्या है भाई, मैं सारा दिन थक हार के घर आता हूँ, ये क्या है इसमें, मीठा कम है इसमें, मीठा चीनी ज़्यादा या कुछ भी है, ये कोई चाय है, इसको चाय बोलते हैं, और दे धड़ाम से क्या होता है इन चीज़ों से। ठीक है, मैं मानती हूँ उसमें हो सकता है पत्नी से छोटी सी गलती हो सकती है, अगर पति महोदय थोड़ा सा उस लहजे को, ठीक है उन्होंने बोलना ही है, थोड़ा सा उस लहजे को अगर इस तरह से बोले ना, गुस्सा हर लड़ाई की जड़ होती है, अगर वो पति ऐसा बोले कि देखो सुनिए इसमें ना मतलब थोड़ा सा, अगर जैसा भी वो पीते हैं इसमें मीठा ना ज़्यादा है, मैं पीता नहीं, अगर तुम थोड़ी सी और बना देती मेरे लिए तो बहुत बहुत, मतलब आपकी एक
लेकिन नहीं, हम सोचते नहीं कि अगर हम पत्नी के भागे जी हुजूरी करेंगे तब तो हम छोटे हो जाएंगे। यही रीजन, छोटे छोटे रीजन जो हमारे लड़ाई की जड़ का कारण बनते हैं। तो वहीं से ही वो ऐसा बोलेंगे और पत्नी वहां से फिर चौड़ी हो जाएगी। क्या समझाए मुझे, मैं सारा दिन बेली रहती हूँ घर में, मुझे काम नहीं होता, मैं मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करती, तुम अगर ऑफिस जाते हो तो मैं भी तो ये करती हूँ, मैं भी तो। और हो गई ना, आते ही हो गई ना उनकी जो भी है, मतलब तू तू मैं, और वो बड़ी बात बन जाती है। और तो इन चीजों को हमें सुधारना पड़ेगा, और ऐसा होना चाहिए उनका रिश्ता कि प्यार से बोलें। और आजकल की पत्नियां भी क्या करती हैं कि कुछ चीज मंगानी हो, नहीं जी मेरा तो हक है, मैं तो इसी घर में काम करती हूँ, मेरे को तो ये चीज भी चाहिए, मेरे को तो वो चीज भी चाहिए, यानी कि डिमांड, वो डिमांड रखती हैं कि हमें ये चीज भी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नी को चाहिए कि वो कहें कि देखिए मेरे पास वो चीज नहीं है, रिक्वेस्टेड। मतलब अगर प्यार जितना झुक के चले ना, कुछ नहीं बिगड़ता, रिश्ते सुलझते हैं हमेशा ही, तो झुक के चलने की आदत डालिए। तो वो कहेंगे कि मेरे पास फलानी चीज नहीं है जी, देखिए, और अगर आप ला देते तो, अगर आपका बजट है, अगर इस महीने हमारा मतलब बच जाता तो मैं ले लूंगी, अदरवाइज मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, मैं उन्हीं बातों के ऊपर चलती हूँ, वही मैं आपको बताती हूँ जिन बातों के ऊपर मैं खुद चलती हूँ। तो अगर आप ला देते, मेरे पास वो चीज नहीं है, ये नहीं कि फलानी ने ऐसा भी ले लिया, उसकी घरवाली ने ऐसा भी ले, मेरा भी हक बनता है, मैं भी यहीं पे हूँ, तो पति तो ला देंगे। लेकिन उनके बीच में ना एक छोटी सी जो डोर है ना लड़ाई की या किसी भी चीज की, दूरियों की, वो बढ़ती जाती है, उसको नहीं बढ़ने देना है हमने, ठीक है। और एक दूसरे के प्रति जो हमने मतलब पूरा विश्वास रखना है, दोनों की जिम्मेवारी बनती है। और फिर होता है कि हम बच्चों के सामने लड़ने लग जाते हैं, पति पत्नी का रिश्ता बच्चों की जिंदगी भी खराब करता है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बच्चों के सामने आप हो गए शुरू, तू ऐसा था, तू ऐसी थी, तू वैसी थी, तू ऐसी थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरे एक और बात आजकल सोशल मीडिया में चली है कि घर में छोटी सी बात होती है तो वो जो है औरतें ना बवाल फैला देती हैं, मतलब सोशल मीडिया, छोटी सी बात है चलो सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत गलत बात है। हो सकता है किसी को मेरी बातें बुरी भी लग रही हो, बट अपने जो रिश्ते हैं ना, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो मतलब घर की लड़ाई है, रिश्ता वो घर की चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए, और अंदर ही रहे ना तो बहुत अच्छा है। आप रोज लो रोज मतलब रोज लड़िए आप लोग, हम भी लड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़ते, पर क्या है, लड़ाई जो है चार दीवारी के अंदर ही रहनी चाहिए। और जब तक लड़ाई लड़ो, लड़के मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मन बहुत ज्यादा खुल जाता है कि नहीं, लेकिन लड़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसको खींचते रहो खींचते रहो, महीना भर वो लड़ाई चलती रही या कई दिनों तक वो लड़ाई चलती रहे, वो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कहते हैं रोज लड़ो पर हर सुबह नई लड़ाई लड़ो, एक ही बात के पीछे जो है आप मत पड़ो। तो और हाँ, सॉरी करने बोलने की आदत डाल लो, दोनों की होनी चाहिए। कि क्या होता है कि बार गलतियां दोनों की होती है, फिर भी हम सॉरी नहीं बोलते हैं क्योंकि हमें सॉरी बोलने की आदत नहीं है। और सॉरी बोलने से क्या होता है कि हम लोग जो है, हम लोगों के अंदर ऐसा होता है कि नहीं यार, अब ये तो इसने मतलब सॉरी कर दिया, मुझे भी माफ करना चाहिए, और करना भी चाहिए एक दूसरे को। और एक होता है कि जैसे कोई पति पत्नी घूमने जा रहे हैं, पत्नी ऑर्डर लगा देती है कि नहीं इस महीने जो है हिल स्टेशन पे हमने जाना ही जाना, जो मर्जी, आपको छुट्टियां मिले ना मिले, मुझे कोई टेंशन नहीं इस बात की। मतलब एक औरत भी खुद को ये समझने लग जाती है कि मैं इसके घर में आई हूँ शादी करके, तो मैंने पता नहीं कौन सा एहसान कर दिया इसके ऊपर। ऐसा नहीं है बाबा, ऐसा नहीं है, ये तो रिवाज है, तो रीत ऐसे ही चलती आई है, ऐसे ही जो है संसार बना है, ऐसे ही चलता आया है, तो ये मत समझिए। और एक बात मैं यहाँ से यहाँ पे और बोलना चाहूंगी कि पत्नी को हमेशा बाहर के जो काम है वहां पे, बाहर के जो काम है मतलब जैसे बाहर का काम, मतलब घर के अंदर आप जो मर्जी रानी बन के रहो, जो मर्जी बन के रहो, बाहर अपने पति को कभी भी जो है नीचा मत दिखाओ, जो का मतलब होता है कि नहीं मैं ही कर सकती हूँ। आप घर के बाहर जो है एक कदम हमेशा औरत को पति से पीछे रहना चाहिए, तो इस तरह से हमारे रिश्तों में कभी दरार नहीं आएगी और कभी भी हमारे रिश्ते जो है खराब नहीं होंगे। ये जो हम औरतों को आदत होती है ना, बहुत सी औरतों को आदत होती है कि नहीं मतलब मैं हूँ, मैंने किया है, ये मैंने किया है, वो मैंने किया है, तो अगर पति कर रहा है, मैंने का मतलब ही नहीं होता है इसमें, पति कर रहा है वो भी अपने घर के लिए कर रहा है, पति पत्नी दोनों से उनका घर है, बच्चों से उनका घर है, और अगर पत्नी कर रही है तो वो भी अपने घर के लिए कर रही है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब वो गिनने बैठ जाते हैं ना कि मेरा मेरा है, और कुछ भी है, बहुत सी बातें मैंने देखी हैं। और औरतें क्या करती हैं कि उनकी थोड़ी बहुत अगर कहीं से इनकम होती है तो वो उनकी है, और पति की आती है वो भी उनकी है,
ऐसा नहीं है, दोनों को हिसाब किताब बराबर देना चाहिए, दोनों को खर्चा बराबर, अगर दोनों कमा रहे हैं तो दोनों का जो खर्चा बराबर होना चाहिए। और अपनी सोच को थोड़ा सा जो हमें मतलब फैलाना है, थोड़ा सा ज़्यादा करना है, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है, आगे वाले जो आने वाला टाइम है। तो अगर आप जैसे मैंने बताया कि एक डिमांड करती मतलब एक वो करती हैं कि नहीं हमें फलानी जगह पे जाना ही, अगर आप उसको इस तरह से बोलें कि जी देखो बहुत दिन हो गए हम फलानी जगह पे नहीं गए घूमने, अगर आपके पास छुट्टियां हो, अगर मतलब कुछ टाइम बचता हो आपका, तो क्या हम चलें? तो पति जो है ना छुट्टियाँ लेके भी करेगा, बट वो तो है ना शुरुआत तो हम औरतें करती हैं, कि उनकी हमारी जुबान जो है ना थोड़ी कैंची जैसी थोड़ी 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 बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने घर की स्थिति हमेशा देखनी चाहिए कि मेरे घर में क्या चीज़ है, मैं क्या ले सकती हूँ क्या नहीं ले सकती हूँ, मेरा पति क्या मुझे खरीद सकता है, वो जो चीज़ें होती हैं वो मतलब ज़रूर होनी चाहिए। तो और अब मतलब पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये नहीं कि पति बोले कि ये मेरे माँ बाप है तुम्हारे सास ससुर है इनकी सेवा करो, बाकी जब पत्नी की बारी आई मतलब पत्नी के माँ बाप की बारी आई पति के सास ससुर की, तो तुम्हारी माँ ने ऐसा किया तुम्हारे बाप ने ऐसा किया, वो बात नहीं होनी चाहिए। तो पत्नी का भी अपना एक अहम होता है कि नहीं मेरे भी तो माँ बाप है, उन मैं भी तो चाहती हूँ कि उनकी रिस्पेक्ट करें। तो स्पेशल पतियों के लिए कि भाई आप लोग भी अपने ससुराल वालों की इज्जत करना सीखिए, और ये दोनों तरफ से मैंने कहा ना ये दोनों पहिए, एक भी अगर बिगड़ जाए एक भी खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। मैं आपको चलते चलते एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, आप बहुत कुछ उससे सीख जाएंगे। मेरे कहानी नहीं है ये रियल ज़िंदगी है, और मेरे आप फ्रेंड समझ लो आप जो मर्जी समझ लो, मेरे बहुत नज़दीकी मेरे बहुत क्लोज की है उस लड़की की, एक लड़की थी उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है ठीक है, और उसकी शादी हो जाती है तो उम्र छोटी थी उसकी 17-18 साल कुछ भी नहीं होते तब, मतलब खैर पहले तो बहुत छोटे हो जाती थी शादी, अब तो बच्चा 16-18 साल तक तो लाडलेपन में ही पलता रहता है, उसको पता ही नहीं होता कि देश दुनिया की मैंने क्या करना है, तो उसकी शादी कर दी जाती है। लड़का बेरोजगार होता है, बेरोजगार तो नहीं उसने थोड़ा बहुत काम सीखा होता है, तो जैसे ही वो ससुराल जाती है उसको वही आदतें होती हैं, लड़की को भी थोड़ी आदतें सुधारनी पड़ेगी अपनी, तो उसको वही आदतें होती हैं लेट से उठना, चलो कोई बात नहीं। उसके सास ससुर इतने अच्छे थे कि उसकी जो सास थी वो उसको ना 10 बजे दूध का गिलास लेके जाती थी ठीक है, 10 बजे मतलब उठाना उसको, घास लेके जब वो आ जाती थी सारा काम करते, गांव की ये स्टोरी है मेरे सामने की है मेरी आंखों की, मैंने भी उनको बहुत ही पैचअप कराने की कोशिश की थी बट नहीं हो सका। तो 10 बजे वो उनको दूध का गिलास लेके जाती थी तो बोलती थी कि बेटा उठो, मैं नाम नहीं लूंगी सॉरी यहाँ पे, बेटा उठो, तो वो उठती थी दूध पीती थी बस अपने, फिर वो कभी उन्होंने नहीं बोला कि तू ये काम कर, कि उन वो सोचते थे अपनी लड़की की तरह उन्होंने रखा, पर क्या था उन दोनों की ना मियाँ बीबी की, उन पति पत्नी की नहीं बनी, बनी क्यों नहीं क्या रीजन था कि वो हर जो है तीसरे चौथे दिन बोलती थी मैंने मायके जाना, मुझे याद आ रही है वो बोलता था कि ऐसा है मतलब ये नहीं होगा अब, और लड़का भी वो सही था अपनी जगह पे, वो बोलता था कि हो सकता है उसका बोलने का तरीका कुछ गलत होगा, वो बोलता था कि ऐसा नहीं होगा, अब शादी हो गई है तुम्हारी, अब क्या रोज रोज तुम वहां पे दौड़ी रहती हो, और यहाँ मेरे मतलब मम्मी पापा क्या बोलेंगे कि तू इसको ये करता, जो भी है उनके बीच में इसी बात को लेके छोटी छोटी उनके बीच में ना दूरियां बहुत बढ़ती गई और बहुत दूरियां होगी उनके बीच में। गलती किसकी थी? लड़की की और लड़की के माँ बाप की, जो मेरे बहुत ज्यादा नजदीक थी वो, तो वो छोटी छोटी बात जो अपने माँ बाप के साथ शेयर कर दी थी, ये भी नहीं करना चाहिए पत्नी को कि वो थोड़ी सी बात हुई और लगा दी अपने मम्मी पापा के पास, तुम पति पत्नी की फिर से बन जाएगी लेकिन तुम्हारी अपने वहां पे नहीं बनेगी, अपने जो है उस दामाद की उन सास ससुर के साथ नहीं बनेगी, तो प्लीज छोटी छोटी बातों को लगाना बंद कीजिए। और उनका एट लास्ट यहाँ तक मसला जो है वो पहुंच गया कि उनका तलाक हो गया। फिर किसी दिन मैं स्टोरी को पूरा सुनाऊंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। बस लास्ट में ये बोलना चाहूंगी पति पत्नी का जो है अपनी बात करने का तरीका सुधारिए, बात बात पे लड़ना छोड़िए, और मतलब पत्नी का जो होता है कि मैं मालकिन हूँ ये नहीं वो नहीं वो छोड़िए, पति का जो होता है कि ये सब्जी नमक जो भी है कम है ज्यादा है, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो लड़ाई होती रहती है इन बातों को जो इग्नोर कीजिए, प्यार से रहिए, इस बगिया को प्यार से महकाइए, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, और छोटी सी जिंदगी पता भी नहीं लगेगा कि कब इस दुनिया में आए, कब बड़े हुए शादी परिवार और फिर सब खत्म, तो
तो जितने भी दिन रहिएगा प्यार से रहेगा, मुस्कुरा के रहेगा, पीछे हट जाइए, झुक जाइए, झुकने से कोई बड़ा मतलब छोटा नहीं बन जाता, सॉरी करने की आदत डालिए। अब मैं तो कई बार ऐसा करती हूँ, मेरी गलती भी नहीं होती, मैं तब भी सॉरी बोल देती हूँ, कुछ नहीं कम होता, लड़ाई खत्म हो जाती है। तो इस लड़ाई को लंबा मत खींचिए और सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए अपने बच्चों के ऊपर। आप लड़ेंगे तो आपके बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ेगा, और हमारी जो एक इच्छा है कि अपने बच्चों को बड़े बनाना है, तो मतलब आपको अपने जो है काबू रखना पड़ेगा अपनी भावनाओं के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर। तो ठीक है, चलते हैं, मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।